Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing fine and hum sabka favorite time of the year aa chuka hai. It is the festive season. Abhi Ganesh Chaturthi nikla, Onam nikla, abhi Navratri aane wali hai, fir Diwali aayegi and फेस्टिव सीजन मतलब बहुत सारी शॉपिंग, चाहे वो आउटफिट्स की हो, ज्वेलरी की हो, हेयर एक्सेसरीज की हो, बिकॉज हु डजंट वांट टू बी एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, राइट. मैंने भी मीशो पे बहुत सारा अपना बैंक बैलेंस डैमेज करके काफी सारी हेयर एक्सेसरीज और ज्वेलरीज मंगाई है एंड यू गाइज अगर ना लव देम. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारी हेयर एक्सेसरीज जो आप लोगों को फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा काम आएगी, एकदम लो एफर्ट बट येट एकदम अट्रैक्टिव से हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए. एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मीशो की ज्वेलरी हॉल, सो यस स्टे ट्यून्ड. And yes, if you are interested, keep on watching this video till the very, very end. But if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now, without any further blabbering, let's just dive right into the video. सारी ये हेयर एक्सेसरीज काफी ज्यादा इनएक्सपेंसिव होने वाली है. प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट हेयर एक्सेसरी दैट आई हैव इज दिस ब्यूटीफुल व्हाइट रोजेस. जब हम बन बनाते हैं ना तो साइड में ऐसे तीन फ्लावर्स लगा के इट जस्ट एलिवेट्स द लुक एंड हाउ. बट वाई गो बेसिक विद रेड रोजेस व्हेन यू कैन गो व्हाइट इंस्टेड. एंड लुक कीजिए कितना सुंदर लग रहा है. इट इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी एंड ये दिखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है. It just looks very very pretty and agar aap bun banate ho so you just apply this and it will look so pretty, right. Next again we have gajras but we got it in the pair of two and ye kafi zyada sundar aur bahut zyada different hai. सो दिस वन इज द गोल्डन वन और ये ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है. इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड इसको आप अपने अगेन जूड़े पे लगा सकते हो. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस और You can just open it up and you can also apply it open hair में इस तरीके से back side पे and this will just elevate your look बहुत ही अच्छे से and it will look very very pretty अगर आप open hairstyle कर रहे हो. And with this you also get these small little flowers जिसको कि आप इस तरीके से fold करके अपने open hair में भी लगा सकते हो. तो इसको तो जो अभी wedding season आ रहा है उसमें brides भी use कर सकती है for their हल्दी एंड मेहंदी look and it will look very very pretty. And ये similar ही red color में आया है so I'm not opening this one up and but इसमें same ही है. ये red है and थोड़ा थोड़ा इसमें golden भी है बीच में and then you get these small little गोल्डन एंड रेड फ्लावर्स ऑल्सो. तो ये वाला तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं देखा है. नेक्स्ट अगेन वी हैव अ गजरा बट दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मोगरा वाला गजरा एंड इट डज नॉट लुक फेक एट ऑल. ये वाला फोटो देखो, मैंने जो अपना साउथ इंडियन लुक किया था उसमें मैंने यही वाला गजरा पहना था एंड इट जस्ट लुक्स सो रियल, इजंट इट. ये बहुत अच्छा लगता है. तो अगर आप इसको बन में लगाते हो जस्ट अप्लाई टू द 3/4 ऑफ योर बन एंड इसके साथ आपको दो रोजेस भी मिलते हैं विच हैव यू पिन इन इट. तो आप अपने बन में इस तरीके से अपने दो रोजेस लगा सकते हो एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे फोटो इंसर्ट करी है जो मैंने साउथ इंडियन लुक किया था उसमें यही दोनों एक्सेसरीज यूज करी थी एंड दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड दूर से देखने में तो पता भी नहीं चलता कि ये नकली गजरा है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज गजराज इज दैट दे डू नॉट विल्ट एंड आपका गजरा फॉर एवर फ्रेश रहेगा एंड या इट इज अ गुड बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो. एंड ये रोजेस तो मेरे पे ऑलरेडी बहुत है बट ठीक है, इसके साथ ये दो आ गए तो ये दोनों आपस में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे. ओके, अनदर पीस ऑफ फ्लोरल एक्सेसरी जो कि काफी ज्यादा वर्सेटाइल है एंड अगेन मुझे काफी अच्छे प्राइस पे मिल गई थी इज दिस ऑर्किड गजरा. नाउ अगेन आप इसको बन में भी यूज कर सकते हो, आप इसको टियारा की तरह यूज कर सकते हो ऑन योर ओपन हेयर एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ हेड एक्सेसरी. अगर आप कोई क्रिएटिव लुक कर रहे हो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो. यू कैन यूज इट एज अ गार्लैंड ऑल्सो. ऑल्दो इट इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी, जैसे जो बाकी फ्लावर एक्सेसरीज है वो रियल फ्लावर्स लग रही है बट दे डू लुक फेक वेन यू लुक इट अप क्लोज. बट देखो दूर से आपको नहीं पता चलेगा एंड यू कैन वेयर इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड आई रियली रियली लाइक दिस. अगर मुझे इसमें और कलर्स मिलते हैं सो आई एम डेफिनेटली गोना पिक देम अप क्योंकि ये काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा. एंड जो हमारी लास्ट हेयर एक्सेसरी है इट इज समथिंग दैट विल गो सुपर सुपर वेल विद योर साउथ इंडियन लुक्स बट मेरे बाल क्योंकि छोटे हैं तो मैंने यूज नहीं कर पाई. इट इज दीज हेड ब्रोचेस. जब आप लंबी सी गुथ वाली चोटी बनाते हो इसमें पीछे इस तरीके का हुक आता है एंड यू कैन जस्ट सिंपली हुक इट
टू योर हेयर लाइक दिस एंड ये काफी ज्यादा साउथ इंडियन लुक्स में होता है. तो जब मैंने साउथ इंडियन ब्राइडल लुक किया था मुझे उसमें लगाने का बहुत मन था, बट बिकॉज माई हेयर लेंथ इज वेरी वेरी शॉर्ट सो आई कुड नॉट मेक अ लॉन्ग ब्रेड एंड छोटी ब्रेड में ये अच्छा नहीं लग रहा था. बट इट इज सो इनएक्सपेंसिव. अगर आप इसको मार्केट से या अमेजोन से लेते हो ना तो आपका काफी एक्सपेंसिव ये पड़ता है. यू विल गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीसेज ऑफ दीज ब्रोच फॉर सच एन इनएक्सपेंसिव प्राइस. लाइक मीशो इज द सेवियर फॉर यू व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरीज, हेयर एक्सेसरीज एंड व्हाट नॉट. सो यस, यही पांच हेयर एक्सेसरीज थी जो मैंने अभी मंगाई है. अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद आती है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डेफिनेटली चेक इट आउट. और अगर कुछ ऐसी हेयर एक्सेसरीज है मीशो से जो आपने मंगाई है एंड यू थिंक दैट आई शुड गेट इट टू, तो वो भी कॉमेंट्स में जरूर छोड़ना. एंड यस, दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग. मतलब क्या ज्वेलरी मंगाई है इस बार मैंने. आई हैव गॉट फुल सेट्स. इस बार मैंने सिर्फ इयर रिंग्स नहीं मंगाई है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताओ कि और कौन सा फेस्टिव कॉन्टेंट देखना पसंद करोगे. एंड यस, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई शिल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.